ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने वाले सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं पार्ट वन से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो शेयर करूंगा पार्ट टू से एवं पार्ट थ्री से। जैसे कि आप लोगों का एडमिशन के बारे में जो भी जानकारियाँ हैं वो शेयर करूँगा, वो पार्ट वन का हो या पार्ट टू या पार्ट थ्री का। इसी प्रकार रिजल्ट के बारे में आपको अपडेट दूंगा और साथ ही एग्ज़ाम के बारे में। तो इस वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर, तो अगर आप लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे पहले नंबर आप अपने मार्केट से रेखा प्रकाशन का गैस पेपर परचेज कर सकते हैं, जो कि न्यू एडिशन का मार्केट में आ गया है, जहाँ पे आप लोग परीक्षा की तैयारी करने के लिए इसे ले सकते हैं। और साथ ही आप लोग वीवीआई गैस क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा और वेबसाइट पे मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है। आप लोग जाइएगा एक क्लिक में डाउनलोड कीजिए और इसके बाद आप लोग परीक्षा की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा आप लोग का होगा ही होगा। ऐसी बात नहीं कि आप लोग का परीक्षा नहीं लिया जाएगा, इसलिए जाइए पहले परीक्षा की तैयारी कीजिए। अब दोस्तों इसके बाद अपडेट देता हूं कि अगर आप लोग पार्ट वन के हों या पार्ट टू या पार्ट थ्री, अगर आप लोगों ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन किया होगा तो आप सभी छात्र अपना स्टेटस जरूर चेक कीजिएगा। और स्टेटस कैसे चेक करना है इसके लिए मैं लिंक अभी आपको एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वेबसाइट का उस पर चले जाइएगा। वहाँ पर आपको एक डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा स्टेटस चेक करने का, वहाँ क्लिक करके आप अपना आधार नंबर से, मोबाइल नंबर से, या दोस्तों आप चाहे तो अपना यूजर आईडी और डेट ऑफ बर्थ जो आपका पासवर्ड है उससे लॉगिन करके भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको जाके चेक करना है, या तो दोस्तों इस पर कल एक वीडियो या आज शाम तक वीडियो मिल जाएगा कैसे आप लोग अपना स्टेटस चेक करेंगे। तो अगर आप लोग का सारा चीज़ अप्रूव हो गया होगा, अगर पेमेंट पेंडिंग में होगा तो जल्द ही पेमेंट हो जाएगा और काफ़ी सारे छात्रों का पेमेंट आना चालू हो गया है। तो मैं जल्द ही वो वीडियो जो शाम तक अपलोड होगी ना उसमें मैं आपको पूरा अपडेट और सारा सटीक जानकारी दे दूँगा, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसके लिए शॉर्ट में सारा इन्फॉर्मेशन मैं इंक्लूड किया हूँ। अब दोस्तों आइए हम बात करते हैं जिनका सेशन 2022 से 25 होगा उन छात्रों का नामांकन कब से होगा कॉलेजों में, और साथ ही यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑनलाइन अप्लाई की तिथि कब तक जारी की जाएगी। दोस्तों यूनिवर्सिटी की ओर से जो बताया गया है कि इस माह में यानी जून माह में आप लोगों का ऑनलाइन अप्लाई करने की तिथि जारी की जाएगी। इसके बाद दोस्तों यूनिवर्सिटी की ओर से शेड्यूल जारी किया जाएगा कब आप लोग का फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जारी होगा, सेकेंड, थर्ड, और इसके बाद इसके अनुसार कब से कब तक नामांकन होगा, वो सारा डिटेल जल्द ही अपलोड किया जाएगा। मैं आपको टाइम टू टाइम टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ, अगर आप लोग ज्वाइन होंगे तो आपको जानकारियाँ मिल गई होगी। अब दोस्तों बात करते हैं जिनका सेशन 2021 से 24 है, वो छात्र अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं, अच्छी बात है। काफ़ी सारे छात्र ये पूछ रहे थे उनका क्लास रोल नंबर जो है वो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड पे नहीं है, तो वो अभी अपडेट किया जा रहा है सभी छात्रों को धीरे धीरे। वो फिर से आप लोग जब डाउनलोड करने जाइएगा तो वहाँ पे हो सके तो अपडेट हो गया होगा, तो आप उसे प्रिंट करवा लीजिएगा फिर से। हमने बार बार आपको बताया कि ये जो रजिस्ट्रेशन डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड है ये आपको किसी भी बसधा केंद्र हो या सीएससी केंद्र वहीं जाके आप लोग निकलवा सकते हैं, या आप पीसी से, आप अगर आपके पास पीसी है तो आप पीसी से भी इसे निकाल सकते हैं और सारा चीज़ देख लीजिए। अगर सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो एक से दो दिन में जाके अपने कॉलेज में सुधार करवा लीजिए, क्योंकि अभी समय आपके पास अब कम बचा है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ जिनका सेशन 2020 से 23 है, तो उससे पहले 2021 से 24 वाले सेशन के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में अपडेट देना चाहता हूँ। तो आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो पार्ट थ्री वाले छात्रों के साथ होगा, तो इसलिए आप लोग अभी से परीक्षा की तैयारी कर ले। और परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमने आपको बता दिया रेखा प्रकाशन का गैस पेपर ले सकते हैं, आपके मार्केट में भी उपलब्ध है, तो जाइए मार्केट से परचेज करके और अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। और साथ ही पार्ट वन का जो वीवीआई गैस क्वेश्चन है, जो 100% उम्मीद है कि उसी में से क्वेश्चन आएगा, वो आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप लोग विजिट करके चेक कर लीजिएगा। अब बात रही 2020 से 23 वाले सेशन के छात्रों का रिजल्ट के बारे में, तो दोस्तों लगभग 8 मंथ बीत गए हैं, अभी तक यूनिवर्सिटी की ओर से रिजल्ट नहीं दिया गया है। काफ़ी सारे छात्र परेशान हैं क्योंकि उनका जो सेशन है वो लगभग 1 साल तो बैक ही, और इसके बाद अगर रिजल्ट जल्द नहीं दिया जाता है तो और सेशन बैक हो जाएगा। वैसे दोस्तों मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ कि जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनके द्वारा जो बयान दिया जा रहा था कि मई माह में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, इसके बाद अभी जो अप्रैल माह की बात चल रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी अभी आप लोग मत घबराइए, क्योंकि रिजल्ट में अभी समय लगेगा। जब तक यूनिवर्सिटी और डाटा सेंटर के जो बीच विवाद चल रहा है, जब तक ये सुलझ नहीं जाता और हाई कोर्ट की ओर से जो डिसीजन नहीं आ जाता, पक्का डिसीजन, तब तक आप लोग का रिजल्ट जारी होने वाला नहीं है। और जब तक पार्ट वन का रिजल्ट जारी नहीं होगा तब तक पिछले सेशन के छात्रों का
एग्ज़ाम का प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए जब तक पार्ट वन का रिजल्ट नहीं आता तब तक 2021-24 वाले सत्र के छात्रों का यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं लिया जा सकता। आगे चल के इसमें जो अपडेट होगी और जो सूचना आएगी मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से अपडेट कर रहा हूँ। वैसे दोस्तों 2020-23 वाले सेशन के छात्रों का पार्ट टू में काफ़ी सारे कॉलेजों में नामांकन हो गया है। कुछ कॉलेजों में ऑफलाइन चल रहा है, कुछ कॉलेजों में ऑफलाइन, तो आप लोग अपने कॉलेज के संपर्क में रहिए और पता कीजिए, अगर हो रहा है तो जाके करवा लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं जिनका सेशन 2019-22 पार्ट टू रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लगभग इनका भी 8 मंथ होने वाला है रिजल्ट यानी एग्ज़ाम लिए हुए, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं दिया गया है। मई माह में 31 तारीख 30 तारीख ऐसे स्टूडेंट को बलगला दिया गया था काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हमने आपको पहले बता दिया था कि इस माह रिजल्ट तो नहीं आने वाला है मई माह में, और जून माह के प्रथम वीक तक भी रिजल्ट नहीं आने वाला, क्योंकि रिजल्ट का काम चल ही नहीं रहा है। यानी पार्ट टू वाले छात्रों का रिजल्ट आने की कोई अभी तक सूचना नहीं है, और जो आप लोग न्यूज़पेपर में दे रहे थे ये अफवाह उड़ाया जा रहा था, ठीक है। इसके संबंधित जो भी रिगार्डिंग अपडेट आएगा मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर दूंगा। वैसे दोस्तों जून माह में आएगा रिजल्ट तो मैं आपको कन्फर्म कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं वही छात्र जिनका सेशन 2019-22 है, वो छात्रों को पार्ट थ्री में नामांकन चल रहे हैं काफ़ी सारे कॉलेजों में। तो हमने आपको पहले बताया ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से दोनों जगह चल रहे हैं, तो आप अपने कॉलेज के कॉन्टैक्ट में रहिए, जाइए एडमिशन कराइए। एडमिशन में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगता है, कितना फी लगता है, मैं प्रॉपर वीडियो बना के चैनल पर रखा हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ जिनका सेशन 2018-21 था, काफ़ी सारे छात्र जानना चाहते थे कि प्रोविजनल और मार्कशीट के बारे में। तो दोस्तों कुछ कॉलेजों में उपलब्ध हुआ है, कुछ कॉलेजों में अभी उपलब्ध नहीं हुआ है, तो आप लोग अपने स्टूडेंट लीडर के संपर्क में रहे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके आपके कॉलेज में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आपको सभी जानकारियाँ वो स्टूडेंट लीडर प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग वहाँ से भी अपडेट ले सकते हैं। वैसे दोस्तों मैं जल्द ही अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊँगा, सभी डिस्ट्रिक्ट का एक एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, और उसमें जो भी कॉलेज होंगे उस कॉलेज का भी एक एक व्हाट्सएप मैं बनाऊंगा, तो आप लोग उसमें ज्वाइन होइएगा और जो भी कॉलेज के रिगार्डिंग अपडेट होगा या जानकारी होगी वो आपको वहाँ पे भेज दिया जाएगा। और साथ ही आपके पास भी कोई जानकारी उपलब्ध होता है तो आप शेयर कर सकते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में, या दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए और यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जो भी सारा अपडेट है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप भी जान पाएंगे और साथ ही दूसरे छात्र भी उन कॉलेज के होंगे तो उनको भी अपडेट मिल जाएगा। तो इसलिए टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए ज्वाइन कीजिए। लगभग 1200-1300 लोग हैं, वो पब्लिक ग्रुप है, आप लोग वहाँ अपने चैट करते हैं, मैसेज करते हैं, अपनी जो भी समस्याएं हैं वो दूसरे से पूछते हैं, तो वहाँ जाके आप लोग जो भी डाउट है वो क्लियर भी कर सकते हैं, और साथ ही हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन आता है जो भी कॉलेज का हो वो मैं आपको वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। और ध्यान दीजिए, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग पार्ट वन के छात्र हैं या पार्ट टू के और रिजल्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो रिजल्ट के लिए कोई अपडेट नहीं है। आपको अगर कुछ कह रहा है कोई तो गलाने का कोशिश कर रहा है, अभी तक रिजल्ट को लेकर कोई अपडेट नहीं है। सूचना मिलते ही मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक अपने टेलीग्राम के माध्यम से दे दूंगा, तो जो भी न्यूज़ और सूचना प्रोवाइड की जाएगी आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगा। धन्यवाद।